वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम देखने वाले क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। ये नए सिलेबस का 2020-21 का नया सिलेबस, इसका चैप्टर नंबर 1 हमको देखना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, मतलब हमारे लाइफ में डेली रूटीन में मैथमेटिकल लॉजिक का कहां कहां पर यूज होता है वो सारी चीजें देखेंगे। और स्टेटमेंट देखेंगे, किसको स्टेटमेंट कहते हैं, लाइक कोई भी सेंटेंस जो होते हैं, एवरी स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस बट नॉट एवरी सेंटेंस इज स्टेटमेंट, मतलब हर एक सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन हर स्टेटमेंट हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट और सेंटेंस कैसे दोनों से अलग होते वो देखने वाले हैं, और उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, ट्रूथ वैल्यू क्या होता है उस वीडियो में आगे आगे हमको मालूम पड़ जाएगा। और हम लोग क्या देखने वाले, इस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते ये देखेंगे, और ओपन सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो इतना कंप्लीट करने वाले। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बोले, इनके द्वारा पहली बार इसको क्या किया, प्रोपाउंडेड किया, प्रतिपादित किया गया था। तो इसकी वजह से मैथमेटिकल लॉजिक, इसको तीन नाम से जाना जाता है। सबसे पहला बूलियन लॉजिक, इसको इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक एंड सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक क्या होता है आगे हम लोग देखने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स रहेंगे, एंड और निगेशन, ये सारे सिंबल्स रहेंगे, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे सिंबल्स का यूज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या हो गया, सिंबॉलिक लॉजिक भी हम लोग बोल सकते हैं। बूलियन लॉजिक मीन्स इट वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय मैथमेटिशियन जॉर्ज बोले। ओके, दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम क्या हो गया है, बूलियन लॉजिक भी। ओके, सो द वर्ड लॉजिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉगस। लॉगस मीन्स होता है कोई रीजन। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसी चीज के पीछे किसी रीजन को फाइंड आउट करना है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक का, थिंकिंग हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिशियन का कहना है कि ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है, इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स, इट इज फिलोसॉफी। एक है, एक फिलोसॉफी है। ऐसे बहुत, तो जिस चीज में रीजन फाइंड आउट करना है कि थिंकिंग लेवल जिसमें हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, लाइक जिसके अंदर हमको प्रोग्रामिंग करना रहता है, तो कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, सो रीजन, लॉगस मीन्स क्या होता है इसका, रीजन। ओके, सो लॉजिक डील्स विद द रीजनिंग, लॉजिक डील्स विद द रीजन। जिसके नाम को किसी रीजन को फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम हम लोग को लॉजिक का यूज करना पड़ता है। सो दिस लॉजिक, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो लॉजिक के एप्लीकेशन लिख के रखे हैं। पहला सर्किट डिजाइनिंग, जब लोग आईटी डिपार्टमेंट में ये तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जाएंगे आफ्टर 12th, तो उस समय उनको सर्किट डिजाइनिंग करना पड़ता है, लाइक इलेक्ट्रिशियन में। तो सर्किट डिजाइनिंग करने के लिए लॉजिक का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे आगे जाकर लोग बीएससी आईटी करेंगे, बीएससी सीएस करेंगे, तो इस सारे फील्ड में, या आईटी इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग आईटी करेंगे, तो वहां पर हम लोग को लॉजिक का यूज करना है। अदरवाइज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहां पर भी हमको मैथमेटिक्स की प्लेस पर लॉजिक का ज्यादा यूज करना पड़ता है, बिकॉज वहां पर थिंकिंग लेवल ज्यादा होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशंस क्या है। तो सर्किट डिजाइनिंग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसका मेन पर्पस, यहाँ पर इसका यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या उनको देखना, स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, हम लोग स्टेटमेंट किसको बोलेंगे। ओके, सो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको स्टेटमेंट बताता हूं। What is statement? Statement, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, क्या है, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन जिसके अंदर से कुछ डिक्लेयर हो, ठीक है, जिसका कुछ रिजल्ट है, जिसका कुछ डिक्लेयर हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, या तो ट्रू रहेगा या तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, बट Not both simultaneously, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली रहेंगे क्या, नहीं, मतलब एक ही सेंटेंस के दो आंसर नहीं हो सकते, ट्रू और फॉल्स दोनों ही होंगे, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, बट नॉट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ओके, सो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर लाइक पी क्यू आर एस, मतलब स्मॉल लेटर्स में इसको क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब जो अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर रहेंगे उनसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। ओके, नाउ बाय एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटमेंट। फर्स्ट एग्जांपल इज 4 इज एन इवन नंबर। 4 इज एन इवन नंबर, दैट मीन्स क्या, कि 4 क्या है, एक इवन नंबर, मतलब 4 क्या है, सम संख्या है, ए राइट है, यस इट इज स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, यस। ओके, अब नेक्स्ट, एवरी रेक्टेंगल आर स्क्वायर।
एवरी रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब सारे रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, राइट है, बिकॉज रेक्टेंगल्स के भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90-90 होते हैं, और स्क्वायर के भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90-90 होते हैं, तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी रेक्टेंगल्स है वो सब क्या है, स्क्वायर है, ओके. नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट, इट इज ए स्टेटमेंट. अभी क्या फॉल्स है, ये क्या फॉल्स है, इसे कुछ तो आंसर निकल रहा है ना, ये फॉल्स है, ठीक है, ओके. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई क्या है, महाराष्ट्र का कैपिटल है, ये राइट है, ये ट्रू है, दैट मींस क्या हो रहा है, स्टेटमेंट हो गया. अब ये हमारा समझ में, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, ओके. नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, मतलब किसी भी स्टेटमेंट का हम लोग देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब स्टेटमेंट किसको बोले जिसका वैल्यू आइदर ट्रू रहेगा आइदर क्या रहेगा फॉल्स रहेगा, लेकिन ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे. बट उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा एफ रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है. देखिए अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ये हमको मालूम है. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आपका स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी, इज डिनोटेड बाय टी. अगर मतलब आपका सेंटेंस जो है वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी से डिनोट करेंगे. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स, अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लोग उसका डिनोटेड बाय एफ, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय एफ, एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ, लाइक राइट. सो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है, तीन एग्जाम्पल आपको देख रहे होंगे, तो तीनों एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमारे पास है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट है क्या, हाँ सर स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है, ट्रू आ रहा है. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज, क्या लिखेंगे इसका आंसर, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी, राइट, ये ट्रू स्टेटमेंट, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा. नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव, रियल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास नंबर है सब नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, माइनस में रहे प्लस में रहे, मतलब पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कोई भी नंबर है उसको लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. यहां पर क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव. कंसिडर करते हैं हमारे पास रियल नंबर क्या है, फोर है, अगर फोर का मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 16 आएगा, राइट, मतलब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने का पॉजिटिव आ रहा है, बट अगर मैं निगेटिव लिया और इसका स्क्वायर किया तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा. दैट मीन्स हमको क्या मालूम पड़ा कि पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिलता है. बट यहां पर क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज निगेटिव, इट इज ए स्टेटमेंट, राइट, यस इट इज ए स्टेटमेंट, बट ट्रूथ वैल्यू इज एफ, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज एफ, राइट, इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, सम ऑफ टू ऑड नंबर, मतलब दो ऑड नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऑड नंबर आता है क्या, लिस्ट चेक करते हम लोगों, ये क्या है, 3 ऑड नंबर है और 5 भी क्या है, ऑड नंबर है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 8 आता है. ये पहला एग्जांपल, टेक अनदर एग्जांपल, पहला ऑड नंबर ले 7, दूसरा ऑड नंबर ले लिया 9, 7 और 9 क्या ऑड नंबर है, ये दोनों को ऐड कर दो 16, ओके. मींस हमको समझ में आया कि दो ऑड नंबर को जब ऐड करते हो तो हमको इवन नंबर मिलता है, दो ऑड नंबर को जब ऐड करते हो तो हमको क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है. बाय एग्जांपल हमने बोला, सो सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, रॉन्ग, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, ओके. सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी. एक हो सकता है द सम ऑफ अपोजिट इन साइक्लिक रेक्टेंगल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज साइक्लिक रेक्टेंगल, दैट मीन्स ये हमारे पास एक साइक्लिक रेक्टेंगल है, अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, राइट है, यस राइट है, बिकॉज इसको हिंदी में क्या होता है, चक्री चतुर्भुज,
चक्री चतुर्भुज के समूह कोण क्या संपूरक होते हैं, राइट, इन हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180, यस दिस इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमका हमारा हो गया स्टेट, व्हाट इज स्टेटमेंट एग्जांपल। नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज एफ। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग देखिए। अब नेक्स्ट हमको देखने कौन से सेंटेंस के स्टेटमेंट हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि सारे स्टेटमेंट को हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं, बट सारे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। सो कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसको रफ करता हूं और उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा है कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो मैंने यहां पर लिख के रखा है द सेंटेंस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस। एक असर्टिव सेंटेंस भी होता है वो यहां पर नहीं लिखा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश ग्रामर मालूम होगा सेंटेंस के टाइप, उसके अंदर से तीनों टाइप है। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है जिसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, राइट, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देना रिक्वेस्ट करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। आर नॉट कंसीडर एज स्टेटमेंट, मतलब अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस है, इन तीनों में से अगर कोई भी सेंटेंस है उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। ओके, बिकॉज उनका कोई पर्टिकुलर डिक्लेरेटिव वर्ड नहीं आते, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होते, वहां पर कुछ डिक्लेयर नहीं होता है। ओके, हम लोग स्टेटमेंट का डेफिनेशन को मान लो, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा और इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होते। ओके, इसके साइमल्टेनियस दो आंसर हो सकते हैं। ओके, हम लोग एग्जांपल के थ्रू क्या करें उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो रहा है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकॉज एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे क्या, नो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, आप इतने उदास क्यों हो, तो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, मतलब आप मुझे याद रखोगे जब हम जुदा हो जाएंगे, तो हमारे जुदा होने के बाद आप हमको याद रखोगे, पार्टेड मतलब किसी से बिछड़ जाना, जुदा हो जाना, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, तो क्या इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इट इज अ नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ए इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, डोंट एवर टच माय फोन, फोन को छूना नहीं, ठीक है, डोंट एवर टच माय फोन, तो यहां पर क्या हुआ, आपको ऑर्डर बोला है, ठीक है, तो इसके आंसर हो सकते सामने वाला यस और नो में आंसर दे सकता है, तो इसके आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर उसका रिएक्शन क्या है। ओके, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू गो टुडे, आप आज कहां जाना चाहते हो, सो यहां पर क्या बोला हुआ, उसने क्वेश्चन बोला है, मतलब इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, दैट मींस को हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स ओपन सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओपन सेंटेंस। क्या होते हैं ओपन सेंटेंस, मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख के रखी है, एक्सप्लेन कर देता हूं। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन विच आर नॉट स्टेट इन द सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके ट्रूथ वैल्यू वो चेंज होते रहते उसके कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के हिसाब से उस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कभी कभी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और किसी के लिए क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। मतलब किसी कंडीशन में ट्रू भी हो सकता है और किसी कंडीशन में क्या होता है, फॉल्स भी हो सकता है। दैट मींस वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेंटेंस हो जाएगा। एंड ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द सम कंडीशन विच
आर नॉट स्टेट इन सेंटेंस, जो हमारे सेंटेंस में नहीं दिया है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर x प्लस फोर इज इक्वल टू एट, x प्लस फोर इज इक्वल टू एट, मतलब यहाँ पर ये दोनों को एड कर रहे हैं, वो एट मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू फोर रख दू तो फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट होता है। ये डिपेंड करता है, अगर x का वैल्यू आपने फोर रखा तो ये स्टेटमेंट ट्रू के ट्रू रहेगा। अगर आपने x का वैल्यू फोर को छोड़ के दूसरा कुछ रख दिया, फोर नहीं रखा दूसरा कुछ रख दिया, जीरो रख दिया, वन रख दिया, टू रख दिया, तो आंसर आया क्या? नहीं। तो मतलब इसका आंसर सम कंडीशन, इन सम कंडीशन, मतलब कब, जब चार रहेगा, मतलब x का वैल्यू जब फोर रहेगा तभी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब x का वैल्यू फोर को छोड़कर दूसरा कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इट इज डिपेंड ऑन सम कंडीशन, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, तो चाइनीज फूड क्या होता है, बहुत टेस्टी होता है। अब ये जो सेंटेंस है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, पर्सन टू पर्सन, किसी को चाइनीज फूड अच्छा लगता है, किसी को चाइनीज फूड, हुज ट्रूथ इज वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। इसका ट्रूथ वैल्यू जो रहेगा वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे क्या होगा, वेरी करेगा। नेक्स्ट, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, मैथ इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है, जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जो मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी डिपेंड करता है। अगर उनका मैथ्स अच्छा रहेगा, उनका कैलकुलेशन अच्छा है, दैट मींस वो अच्छा स्कोर करेंगे। और किसी स्टूडेंट का मैथ क्या होता है, वीक होता है, तो वो क्या करेंगे, कम स्कोर करेंगे। सो इट इज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। सो द स्टेट इट इज ओपन सेंटेंस, द ट्रूथ वैल्यू इज वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, ओके। सो मतलब इन तीनों हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस बोलेंगे, जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, वैरी होता है। हो गया, अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, एक एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी बना देता हूँ, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वीडियो को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी सॉल्व करना है। ये एक्टिविटी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, पहला यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर सेंटेंस है, वेदर इट इज ए स्टेटमेंट और नॉट, मतलब हमको यहाँ पर बताना है ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, यस है नो करके। इफ नो, अगर वो नहीं स्टेटमेंट नहीं है तो उसका क्या करना, रीजन देना है। स्टेटमेंट नहीं है तो रीजन क्या होगा, वो तीन सेंटेंस हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका रीजन देंगे, ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे उसका। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग है पांच, मतलब अंडर रूट नाइन इज इज रेस्टोरेंट नंबर, स्टार्टिंग के पांच का सॉल्व करके दिया हुआ है। अब जो सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसके जो इनको हमको एक्टिविटी सॉल्व करनी है, मैंने डैश करके रखा हुआ है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ब्रैकेट होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, सिक्स स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करो तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। लाइक एग्जाम्पल है, टू का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, फोर आता है। मैं सिक्स का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 36 आता है, ठीक है। मैं फोर का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 16 आता है, ठीक है। तो मैं क्या, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, मतलब किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट है क्या, यस इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, टी लिखा हुआ है, यहाँ पर डैश लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, डैश लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट, एक्स प्लस फाइव लेस देन 14, एक्स प्लस फाइव लेस देन 14, मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, वो जो लेस देन 14 रहना चाहिए, मतलब वन रख दो तो भी 6 हो जाएगा, टू रखेंगे तो 7 हो जाएगा, थ्री रखेंगे तो 8 हो जाएगा, फोर रखेंगे तो 9 हो जाएगा, फाइव रखेंगे 10 हो जाएगा, सिक्स रखेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे 11 हो जाएगा, फिर 7 रखेंगे 12 हो जाएगा, 8 रखेंगे 13 हो जाएगा, 9 रखेंगे 14 हो जाएगा, ओके। अगर हम लोग 1 to 9 तक, इसमें 1 to 9 तक रखेंगे तो 14 से छोटा रहेगा। अगर मैंने 10 रखा, 11 रखा, 12 रखा, सो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मीन्स ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इट इज ओपन सेंटेंस, मतलब इट इज डिपेंड ऑन सम कंडीशन, मतलब इस कंडीशन पर, मतलब x का वैल्यू 1 to 9 तक हम लोग पुट करेंगे तो ये कंडीशन राइट है। बट अगर मैं उसकी जगह पर x की प्लेस पर मैं 10, 11 और 12 रखता हूं, सो मेरा एक ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ ओपन स्टेटमेंट। अगर इस ओपन स्टेटमेंट है तो इसको सेंटेंस, अगर ये ओपन सेंटेंस है तो इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। सो यहां पर आ जाएगा इट इज अ स्टेटमेंट नो, बिकॉज ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, ओपन सेंटेंस तो यहां पर ब्लैंक है, बिकॉज ओपन जो भी स्टेटमेंट नहीं होते उनका ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है, फाइव इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
फाइव इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या पांच परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता है थ्री, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट कितना होता है फोर, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट कितना होता है फाइव। मींस मतलब ऐसा नंबर जिसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट क्या होता है निकलता है, मतलब जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या रहेगा आपका होल नंबर रहेगा, क्या रहेगा होल नंबर। ओके सो पांच का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब पांच को अगर मैं रूट पे डालूंगा तो इसका आंसर आता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता नहीं है। तो स्टेटमेंट है क्या? हाँ है, स्टेटमेंट है, यस इट इज ए स्टेटमेंट, बट ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। स्टेटमेंट तो है लेकिन वो उसका आंसर नहीं आता, इसलिए वो क्या हो गया फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल इज अ कैपिटल ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल इज अ कैपिटल ऑफ कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल है कोलकाता का क्या है कैपिटल है, सो इट इज ए स्टेटमेंट, यस यस। ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा बिकॉज ये बात सही है। ओके नेक्स्ट, फॉल्स के लिए एफ लिखते स्टूडेंट्स, यहां पर एफ कर दो। नेक्स्ट, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई स्क्वायर इन जब आप लोग इलेवेंथ क्लास में थे तो इलेवेंथ क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर था, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो आई को क्या होता है इमेजिनरी नंबर होते हैं, और वहां पर हमने देखा था आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन होता है, अदरवाइज आई का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट माइनस वन होता है। ओके सो आई का वैल्यू जो माइनस वन रहेगा तो परफेक्ट रहेगा, आई का वैल्यू जो माइनस वन रहेगा तो परफेक्ट रहेगा, मतलब जितना यहाँ पर माइनस वन है तो परफेक्ट है, अगर मैं वहां पर माइनस टू लिख दू तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, माइनस थ्री लिख दू तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब एक कंडीशन में डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर माइनस वन है तो ट्रू है, अदरवाइज अगर माइनस वन से दूसरा कुछ नंबर है तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इट इज ए नॉट ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है क्या? नो नो, बिकॉज ये ओपन सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स ये पूरा एक्टिविटी आपको समझा होगा, आज यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक जो होता है फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में 1.1 देखने वाले, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको क्या करना है अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बोल सकते हैं, यस या नो? इसका जो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 1.1 के साथ।